हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी सारियां, वेलकम टू कौर सिस्टर्स चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी बेसन वाली अरबी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन वाली अरबी। इसके लिए हमने 250 ग्राम अरबी लिए, इसे अच्छे से वॉश कर लें, पानी और नमक डालें और एक विसल के लिए बॉईल करें। अब एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल लें, 1.5 चम्मच बेसन डालें और इसे अच्छे से पकाएं जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा, फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तब तक हम सूखे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक प्लेट में नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर को मिक्स करें। अरबी अच्छे से बॉईल हो गई, अब हम इसकी स्किन को पील कर लेंगे। हम इसे राउंड शेप में काट रहे हैं, आप चाहें तो इसे लंबा लंबा भी काट सकते हैं। अब हमने जो सूखा मसाला तैयार किया था उसकी हाफ क्वांटिटी अरबी में मिक्स कर दें। बेसन में अच्छे से पक गया है, हाफ बचे सूखे मसाले को डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। अरबी के पीसेस को डालें और इसे अच्छे से कोट करें। रेडी है हमारी बेसन वाली अरबी। स्प्रिंकल करें ऊपर से मिक्स मसाला और गार्निश करें हरे धनिए के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कौर सिस्टर्स चैनल। बाय बाय।